नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। जी हाँ, जो कि आपका एग्जाम का पार्ट बनता है। इसके एप्लीकेशन पूछता है, डायरेक्ट तो पूछता नहीं है, कोई भी एग्जाम हो आपका, बैंकिंग वैसे सी हो, लेकिन इसके एप्लीकेशन पूछता है। तो इसको आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपके ये बहुत ही समय बचाने वाला है। तो इसके लिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए है क्या, क्योंकि ये आपसे इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। और इसका नॉलेज रहा तो आप विदिन 5 सेकंड आप आंसर इसका निकाल लेंगे, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, वरना आपको 1 से 2 मिनट इसके आंसर निकालने में लग जाते हैं। तो उससे आपको स्पेशली अगर बैंकिंग हो, SSC का, इसमें टाइम बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि आपसे कम से कम टाइम में आप इसे बना सकें, उसके लिए ये नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो देखते हैं इसमें क्या है क्या। तो इसमें कभी भी एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिस तरह आप देख सकते हैं, मतलब एक 90 डिग्री होगा इसमें, ऑब्वियसली है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कई बार इसका एरिया निकालना निकालने बोल दे, या एक स्क्वायर हो उसका डायगोनल दिया हो और एक साइड दिया हो तो उसका एरिया। फिर इस तरह अगर आपको ये ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो उसमें कैलकुलेशन आप पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे, या हाइट एंड डिस्टेंस लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आप साइड निकालेंगे। तो देखिए, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होंगे तो आप उसे विद इन फ्रैक्शंस कर पाएंगे। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं, अगर दो साइड दिए गए हैं, मान लीजिए ए और बी, ये पूछा जाता है आपको निकालें, तो आप यहाँ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि पाइथागोरियस थ्योरम में बोलता है, ये बोलता है ना कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स डायगोनल के अपोजिट साइड्स का स्क्वायर से बराबर होता है। ये है स्क्वायर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ डायगोनल इक्वल टू होता है उसके स्क्वायर से। तब देख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे अगर आप, तो ये 13 का स्क्वायर के बराबर आएगा। ये तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता है। तो देखिए, इस तरह एग्जाम में करने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जहाँ आपका क्वेश्चन 5 सेकंड में बनना चाहिए वो 1 मिनट तक चला जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसी ट्रिपलेट्स की हम बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको शो करने वाला हूँ कुछ ट्रिपलेट जिसको आपको याद रखना है। जी हाँ, याद रखेंगे, याद रखने का ट्रिक, तो उससे आपका आंसर आराम से बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं कोई ट्रिपलेट्स आपको दिखाने वाला हूँ, जैसा कि ये मैं क्लियर कर दूँ आप पहले, ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो आपको याद कर लेना है बाय हार्ट। जी हाँ, याद करने में बोल रहा हूँ, रटना मारना बोल रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आपके बन जाए। आप ट्रिपलेट निकाल लीजिए 3 4 5, मतलब ये दो साइड रहेंगे तो थर्ड साइड आपको ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है ताकि एग्जाम में आप इसे निकालें ना, ताकि 3 का स्क्वायर करें 9, फिर 16, फिर ऐड करें 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालें 5, तो डायगोनल आपका डायगोनल जो आएगा ये 5 आएगा। इस तरह का आपको करना नहीं है, ये याद रखना है ट्रिपलेट, जैसे 5 25 144 जोड़ेंगे 169 उसका, फिर 13 निकालेंगे, इस तरह करके आपको याद नहीं करना है। डायरेक्ट ट्रिपलेट याद रखिए 3 4 5, 5 12 13 दूसरा ट्रिपलेट जो इंपॉर्टेंट है आपका, वही मैं बता रहा हूँ, 7 फिर 24 25, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार आता है आप 24 25 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे, इस तरह करके सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर फिर 24 का स्क्वायर फिर सम करेंगे 625 का, तो ये डायगोनल आएगा 25। इस तरह याद, मतलब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आपको याद रखना है 7 24 का 25। उसी तरह 8 15 17, आप यह देख सकते हैं 3 फिर 5 फिर 7 6 का कोई ट्रिपलेट नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। 7 24 25 फिर 8 15 17 फिर 9 40 41 11 60 41, देखिए यहाँ तक आपको तो 100% याद रखना होगा। बाकी ये 12 का भी इंपॉर्टेंट है, 13 का भी, लेकिन इसके आगे आप कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में उतना पूछते नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो आपको याद रखना होगा ताकि एग्जाम में आप इजिली सॉल्व कर पाएँ। खासकर 7 24 25 8 15 17 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है, ये ट्रिपलेट है। तो फटाक से आप पाइथागोरियस बिना लगाए तुरंत आंसर वहाँ सॉल्व कर पाएंगे। आशा आपको वीडियो पसंद आया हो, ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।